हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्मॉल गार्डन में। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये एक फ्लावर प्लांट है और इसका नाम अडेनियम है। और ये एक रेगिस्तानी पौधा है। ये रेगिस्तान में बड़े आराम से ग्रो करता है और इसका फ्लावर गर्मियों में खिलता है। जितना हॉट वेदर होता है उतना इसमें फ्लावर अच्छा होता है। तो फ्लावर जो है इसमें खिल के ख़त्म हो चुका है, तो अब इसमें सीड पॉट्स बनने लगा। ये देखिए, और काफ़ी सारा सीड पॉट्स बना हुआ है। तो आप इसे कटिंग से और इसके सीड से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी सीड्स ये रेडी नहीं हुआ है। ये जो आप फली देख रहे हैं, इसके अंदर रुई जैसा होता है और उसी में सीड्स जो है अटैच्ड रहता है। और ये जब फली पक जाएगा यानी सीड्स तैयार हो जाएगा, तो ये अपने आप से फट जाता है। और जब हवा चलता है तो उसके सहारे जो है सारा रुई उड़ जाएगा, तो उसके साथ जो है सीड्स भी इधर उधर बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और हमेशा हम प्लांट्स के पास बैठे नहीं रहेंगे फ्रेंड्स, ये देखने के लिए कि हमारा सीड्स तैयार हुआ कि नहीं। तो इससे बचने के लिए जो है हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। तो देखिए इस तरह से बांधना है। और इतने सारे इसमें फली लगे हुए हैं, मैं सभी को नहीं ऐसा करूँगी, दो तीन को ही बांधूंगी। तो इस तरह से आप प्लास्टिक की रस्सी या धागे से हल्का हल्का सा बांध दीजिए। और ये भी ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो सीड पॉड आपको हेल्दी लगे आप उसी को बचाइए, सभी को बचाना ज़रूरी नहीं है। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, जो मुझे हेल्दी लग रहा है मैं उसी को बांध रही हूँ। अगर इनमें से एक सीड पॉड भी बचा रह गया फ्रेंड्स, तो काफ़ी है, काफ़ी सारा सीड्स अंदर से निकलता है। और ये देखिए, ये दूसरा वाला सीड पॉड है जिसमें मैं बांध रही हूँ। प्लास्टिक का रस्सी है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और इसी के बगल में एक और सीड्स पॉड है, तो इसी रस्सी से मैं उसे भी बांध दूंगी। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। और ये देखिए, तीसरा सीड पॉड है। तो फ्रेंड्स, मैंने तीन सीड पॉड को बांधा है। और इतना जल्दी जो है सीड्स तैयार नहीं होता, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इस तरह से हमें ध्यान देते रहना है कि रस्सी इसकी खुले नहीं। तो फ्रेंड्स, वेट करते हैं और देखते हैं कि कब तक इसके सीड्स तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक महीना हो गया है और देखिए हमारे सीड पॉड्स तैयार हैं। ये देखिए, मैंने अच्छा किया था कि रस्सी से बांध दिया था, ये बिल्कुल सूख करके जो है फट गया है। और ये देखिए, रस्सी उसी तरह से बंधी हुई है, ये पूरा कॉटन जैसा दिख रहा है अंदर से। ये देखिए, दो साथ वाला जो मैंने सीड पॉट्स बांधा तो वही वाला बचा है, और एक तीसरा वाला जो था, जो सबसे पहले मैंने बांधा था, वो सीड पॉट्स नहीं बच पाया है, वो बारिश में जो है ख़राब हो गया है। अब जो है इसके सीड पॉट को प्लांट से अलग करने का टाइम आ गया है, तो मैंने इसे कट कर दिया है। ये देखिए, मैं दोनों सीड पॉट्स को काट ले रही हूँ। और अब कैसे इसके सीड्स को कलेक्ट करना है और अगले सीजन के लिए कैसे बचा करके रखना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रस्सी को खोल लेते हैं। और ये देखिए, मैं कॉटन को अलग निकाल रही हूँ। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो बीच में गांठ जैसा लंबा लंबा कुछ नज़र आएगा, वही जो है सीड्स है। तो आप चाहे तो कॉटन से उसे अलग करके भी रख सकते हैं, और नहीं तो मैं जिस तरह से इसे ठीक करके रख रही हूँ, आप वैसे भी कागज़ वगैरह में लपेट करके नेक्स्ट सीजन के लिए बचा करके रख सकते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से इसे अरेंज कर रही हूँ। ये देखिए, बीच में जो आप दिख रहा है वही सीड्स है। फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से अरेंज करके रख रही हूँ, आप उस तरह से भी रख सकते हैं, आप फली के साथ भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप इसके जो कॉटन है उसे हटा करके सिर्फ बीच वाला पार्ट जो है लंबा वाला आप उसे भी रख सकते हैं। और कागज़ में लपेट देने से ये होगा फ्रेंड्स कि उसमें मॉइस्चर नहीं लगेगा, और अगले सीजन के लिए जो सीड्स है वो फ्रेश रहेगा और आसानी से ग्रो भी कर जाएगा। तो आप इस तरह से रख सकते हैं। देखिए, मैंने इसी तरह से इसे लपेट करके रख दे रही हूँ। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कागज़ में लपेटने के बाद भी इसे एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है, क्योंकि अभी सीड से ग्रो करने का टाइम नहीं है फ्रेंड्स। अडेनियम को जब तेज़ गर्मी पड़ता है उस समय, जैसे कि मई जून में, इसे हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी जो बारिश का टाइम है, इस समय आप अडेनियम को जो है कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जब मैं इस सीड्स को लगाऊंगी, तब उसका वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।